सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। आप सभी का लगन मिनिस्ट्री बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर स्वागत है। आज के वचन पर जाने से पहले आप सब से निवेदन है कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। विश्वास क्या है? आज का वचन विश्वास के गहरे भेद का तीसरा भाग है। जैसा कि पिछले भाग में हमने पौलुस के विश्वास और विश्वास करने के क्या फायदे होते हैं देखे थे, आज के वचन में हम देखेंगे कि विश्वास के साथ साथ क्या करने की आवश्यकता होती है ताकि हम परमेश्वर की आशीष के वारिस हो। जैसा कि हमने पिछले वचन में बताया था कि बाइबल विश्वास करने के साथ साथ और कार्य करने के लिए भी कहती है, जिसका संपूर्ण वर्णन याकूब की पत्री में आता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं तो परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, हाँ मैं तो प्रभु यीशु में विश्वास करता हूँ, ये ही कहना पर्याप्त नहीं होता है। इसके लिए हमें बाइबल के अनुसार कुछ और अन्य कार्यों को भी करना पड़ता है। वे कार्य बिल्कुल आसान और परमेश्वर को खुश करने वाले हैं। तो आज के वचन में बाइबल से देखेंगे कि वे कौन कौन से कार्य हैं जिसे हमें अपने परमेश्वर में संपूर्ण विश्वास को दिखाने के लिए करने हैं। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल में मरकुस 11 अध्याय में प्रभु यीशु अपने चेलों को एक पेड़ के सूखने के पश्चात उनको कहते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मेरे प्रियो, सबसे पहले हमें बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है, क्योंकि बाइबल में याकूब की पत्री 1:6-8 वचन में बताती है, हम परमेश्वर से विश्वास से मान सकते हैं और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, वह व्यक्ति तो दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। तो इसलिए अगर आपको विश्वास के साथ परमेश्वर से कुछ मांगना है तो अपने मन में बिल्कुल भी संदेह न करें। कई बार हमें अपने जीवन में अनिश्चित और कठिन समय का सामना करना पड़ता है, उस समय परमेश्वर की उपस्थिति और शक्ति को भूलना बहुत आसान होता है। हमारा विश्वास डगमगाता है और हमें संदेह होता है कि क्या परमेश्वर हमारे साथ है। कभी कभी तो हमें इस बात पर भी संदेह होता है कि वह वास्तविक है भी या नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है वह जो कहता है वह है। परमेश्वर जानता है कि हमें अविश्वास से जूझना पड़ेगा, इसलिए परमेश्वर ने बाइबल के माध्यम से हमें आश्वस्त करने वाले वचन कहे हैं ताकि उस घड़ी में हम विश्वास में बने रहें। जब आपको संदेह होने लगे तो विश्वास करने के बारे में बाइबल के वचनों को पढ़ें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके दिल और दिमाग को इस बात के प्रति नया करेगा कि वह कौन है, और परमेश्वर जीवन की सभी परिस्थितियों में आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए आपको हौसला देंगे। जैसे सूबेदार ने यीशु के वचनों पर संदेह नहीं किया था, मत्ती 8:13 वचन के अनुसार यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम कुछ वचनों को देखेंगे जिनको देखकर आप भी आशीषित होंगे। यूहन्ना 20:29 वचन, यीशु ने उससे कहा, क्या तूने मुझे देखकर विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यूहन्ना 14:12 वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पिता की महिमा पुत्र के द्वारा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यूहन्ना 14:1 वचन, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। रोमियो 10:9-10 वचन, क्योंकि यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करो और अपने मन से विश्वास रखो कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे, क्योंकि मन से विश्वास किया जाता है और धर्मी ठहराया जाता है, और मुंह से अंगीकार किया जाता है और उद्धार पाया जाता है। हालेलुया।
परमेश्वर के प्रति विश्वास और भक्ति का होना अवश्य है। विश्वास के बारे में बाइबल में बहुत कुछ है। ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में यह इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि विश्वास के बिना परमेश्वर के पास आने के लिए हमारे पास कोई स्थान नहीं है और उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास एक सच्चे परमेश्वर पर वास्तव में उस पर देखे बिना विश्वास करना है। विश्वास कहाँ से आता है? विश्वास कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हम स्वयं की सामर्थ्य से प्राप्त करते हैं, नहीं यह ऐसा कुछ है जिसके साथ हम जन्म लेते हैं, नहीं विश्वास आत्मिक रूप से अध्ययन या खोज में लगे परिश्रम का परिणाम होता है। इफिसियों 2:8-9 लिखा है कि विश्वास परमेश्वर की ओर से एक वरदान है, इसलिए नहीं कि हमें यह मिलना ही चाहिए था या हम इसे पाने के लिए योग्य हैं। ये हमारे स्वयं की ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है। ये हमारी सामर्थ्य या हमारी स्वतंत्र इच्छा से प्राप्त नहीं होता है, ये हमें परमेश्वर के द्वारा उसके अनुग्रह और दया से मिलता है, ताकि हम उसकी पवित्र योजना व उसके उद्देश्यों को पूरा कर सके, जिस कारण से परमेश्वर को सारी महिमा को प्राप्त हो। आगे हम बताते हैं कि विश्वास क्यों होना चाहिए। परमेश्वर ने उन लोगों के मध्य में अंतर करने के लिए एक तरीके को रूपरेखित किया है जो उससे संबंधित हैं और जो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। बहुत आसान सी बात है, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विश्वास की आवश्यकता है। परमेश्वर हमसे कहता है कि ये उसे प्रसन्न करता है जब हम उसके ऊपर तब भी विश्वास करते हैं जब हम उसे देख नहीं सकते। इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ऐसा कहने का यह अर्थ नहीं है कि हम उसके पास कुछ पाने के लिए आते हैं। परमेश्वर उन आज्ञाकारी और विश्वास योग्य लोगों को आशीष देने के लिए कभी पीछे नहीं हटता है। हम Luke 7:37 में एक आदर्श उदाहरण को देखते हैं। एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि यीशु फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, तो वह संगमरमर के बर्तन में सुगंधित इत्र लेकर लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई यीशु के पांवों को अपने आंसुओं से भिगोने लगी। वह अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मलने लगी। जी से देखकर प्रभु यीशु उस स्त्री से कहते हैं, तेरे पाप क्षमा हुए। जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर यीशु ने आगे उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। यहाँ पर हम देखें उस पापी स्त्री का विश्वास इतना अधिक प्रतिफल लाने वाला क्यों होता है, जहाँ प्रभु यीशु उससे उसके विश्वास के विषय में कहते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, शांति से चली जा। उस स्त्री ने यीशु में विश्वास के द्वारा भरोसा किया और इसका परिणाम प्रतिफल में हुआ। अंत में विश्वास ही ऐसी बात है जो हमें अंत तक संभाले रखती है और अंत में एक सटीक परिणाम लेकर आती है। 1 Petrus 1:8-9 में लिखा है, विश्वास के द्वारा ये जानते हुए कि हम अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होंगे, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। हालेलुया। इन सब के बीच बाइबल हमें विश्वास के साथ साथ एक सबसे बड़े कार्य को करने को कहती है जो कि कर्म कहलाता है। कर्म के विषय में याकूब की पत्री 2 में सही और सटीक लिखा गया है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धर्मी न ठहरा था? सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ कि अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया।
सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही रहा वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धर्मी न ठहरी। निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। तो मेरे प्रियो, आपने देखा कि बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। विश्वास मसीहियत की आधारशिला है। परमेश्वर में बिना विश्वास के उसके पास आने के लिए कोई स्थान नहीं है। हम विश्वास के द्वारा अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करते हैं। कई लोगों में एक अस्पष्ट सहमतिपूर्ण धारणा है कि परमेश्वर कौन है, परंतु उनके जीवन में उसके लिए आवश्यक श्रद्धा की कमी है। यदि परमेश्वर को सर्वोच्च स्थान पर ऊपर उठा लिया जाए, हमें सच्चे विश्वास में हमेशा रहना चाहिए, जो परमेश्वर के साथ एक अनंतकालीन संबंध को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। इस कारण हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। विश्वास हमें कई बार विफल भी कर सकता है, परंतु क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से उसकी संतान को दिया गया वरदान है, इसलिए वह परीक्षाओं और परखों के समय में आवश्यक विश्वास को प्रदान करता है कि हम ये प्रमाणित कर सके कि हमारा विश्वास वास्तविक है या नहीं, और हम इसे सामर्थ्य भी बना सके। इसलिए ही याकूब हमें पवित्र आनंद के ऊपर विचार करने के लिए कहता है, क्योंकि हमारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है और यह हमें परिपक्व बनाते हुए उस प्रमाण को प्रकट करता है कि हमारा विश्वास वास्तविक है और हम परमेश्वर में सच्चे हैं या नहीं। हालेलुया। तो हम क्या करें कि हमारा विश्वास और ज्यादा बढ़े। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए हमें मसीह में जुड़े रहना है और साथ में कर्म करते रहना है, जैसे लगातार चर्च जाना, उपवास व प्रार्थना करते रहना और परमेश्वर की संगति करते रहना। तब परमेश्वर की स्थायी आशीषें आपके जीवन में ठहर जाएगी। अपनी निगाहें यीशु पर बनाए रखिए, उन पर भरोसा करिए और उनमें बने रहिए। अपने पूरे हृदय से उनकी सेवा करिए और विश्वास का एक जीवन जिए। उनके प्रति वफादार बने रहिए और दूसरों के लिए वफादारी से प्रार्थना करिए। ये सच्ची संतुष्टि का तरीका है। विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। परमेश्वर से प्रार्थना करिए और उसको कहिए, हे परमेश्वर, मेरे विश्वास को बढ़ाए। परमेश्वर, मैं आज आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। मैं सच्चे हृदय से आपको खोजता हूँ। आप मेरे जीवन में आइए और मेरे विश्वास की रखवाली करें। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।